फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्टिविटी वर्क। एज यू नो, अच्छा बेटा, मैंने आपको इसका सारा मेथड गिवन है आपके होमवर्क में, लेकिन अगर आपको कुछ भी उससे कुछ समझ में ना आए तो आप जाके अपना मेथड देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको पूरा प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगी। देन हाउ टू ग्रो अ प्लांट, ठीक है। हमारी एक्टिविटी है हम प्लांट को कैसे ग्रो करेंगे। सबसे पहले आप इसकी रिक्वायर्ड से देख लें। हमें चाहिए जार, आप जार ले सकते हैं, डजेंट मैटर कि वो किसी भी चीज़ का हो। प्लास्टिक का जार भी ले सकते हैं, जैसे कि आपके एक्टिविटी में लिखा हुआ है, आप प्लास्टिक जार ले रहे हैं। यहाँ पे मेरा जो है ये जैम की बॉटल वगैरह भी आप ले सकते हैं। फिर आपको चाहिए होगा बोल में थोड़ा सा पानी कॉटन को मॉइस्ट करने के लिए, और आपको चाहिए होंगे कुछ बीन्स, सीड बीन्स, ठीक है। ये जो है दीज आर बीन्स, रेड बीन्स हैं ये, ठीक है। इन्हें हम उर्दू में लोबिया भी कहते हैं। अच्छा, आप ये भी ले सकते हैं, आपके एक्टिविटी लिखा हुआ है मंग बीन्स, उससे मुराद मूंग की दाल जिसे हम कहते हैं। वो सिंपल पीली वाली दाल नहीं है, वो जो पूरा मूंग होता है ना ग्रीन वाला, उससे मुराद वो है, ठीक है। जो पूरा प्रॉपर मूंग होता है वो लीजिए। अगर आप दाल लेंगे तो उससे आपका प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा। या फिर आप ये रेड बीन्स भी ले सकते हैं, अगर ये नहीं है तो आप मस्टर्ड बीन्स भी ले सकते हैं, जिसे हम राई कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें करते हैं प्रोसीजर। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कॉटन। यहाँ पे मेरे कॉटन बॉल्स भी, अगर आपके पास कॉटन अवेलेबल नहीं है तो यू कैन यूज़ कॉटन बॉल्स, इट डजेंट मैटर। इसको सबसे पहले हम वाटर में हल्का हल्का मॉइस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना, इतना कि आपकी कॉटन अच्छी सी मॉइस्ट हो जाए, ठीक है। देखें ऐसे मेरी हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा पानी इंक्लूड करना है, मैं बहुत कम, ठीक है। तो मैं इसको इस जार में पुट करने लगी हूँ। ठीक है, अभी इसमें थोड़ी स्पेस रहती है। देखें ये आ गया। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, ये कुछ बीन्स हैं देखें, अब मैं इनको, बहुत ज़्यादा बीन्स भी नहीं डालने, बहुत कम भी नहीं डालने, आई थिंक दैट इज़ ऑल राइट। ये देखें इसमें डाल दिए। अब मैं इसमें हल्का सा, हम इनको मॉइस्ट करने के लिए पानी डाल दिए, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। ये देखें ये हमारा रेडी हो गया प्लांट। आप चाहें तो इसको ऊपर कवर भी कर सकते हैं किसी प्लास्टिक शीट से, लेकिन कवर करने के बाद आपको इसको इतना सुराख करना चाहिए था कि इसको इजीली एयर प्रोवाइड हो, सनलाइट प्रोवाइड हो। अब इसको हम एक वार्म प्लेस पे रख देंगे, वार्म प्लेस जहाँ पे सनलाइट आ रही हो, या अगर आपके घर में सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो किसी ऐसी जगह पे हम जहाँ पे वार्म हो, ठीक है। आपका जो वेदर है, आपका जो मौसम है, बहुत गर्म वार्म जगह पे रखेंगे, इजीली मॉइस्ट होगा, तभी ये ग्रो होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इसको करें। जजाकल्ला।